उस दिन कॉलेज तेरे हुस्न के हिसार में रहना है, तेरी नजरों के हिसार में रहना है, यही रहना है, बार बार रहना है। वाह 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 हुस्ना, कमाल करती है। आदाब आदाब। हुस्ना, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। तो मुझे क्या होना था? बहुत अच्छे फूल हैं, मेरे लिए लाई हो? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए लाई हूँ। तुम्हें पसंद है ना ये फूल और चॉकलेट्स? मेरी फेवरेट चॉकलेट्स हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि आज दिल चाह रहा था खाने को? बस यार, उस दिन मैडम ताबिंदा हसन से उस नाम मेरा कोई कसूर नहीं था। मैंने मना भी किया था मैडम ताबिंदा को, मगर उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई जिन चढ़ गया है। इतना बोली मैं डर गई थी, मैं माइंड तो नहीं किया ना। चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने तुम अहमद जरे आपकी नजरों में तो आ गई। वैसे जितनी तारीफें तुमने की थी ना, उतने अच्छे हैं नहीं वो। ठीक कह रही हो तुम। अब बताइए उस बेचारी को क्या जवाब देता, क्यों उसको बीच रास्ते में मैं छोड़ाया? अरे आप साहब, जब घर का माहौल नहीं है ऐसा तो उसे खुद समझना चाहिए। क्या बात कर रहे हो तुम, बताओ क्या हमारे माशरे में इन लड़कियों को अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की इजाजत है? बिल्कुल नहीं। क्या घर वो कफस नहीं जहां ये बेचारी चिड़िया दम घुट के मर जाए? कफस की सलाखों से क्या सर टकराने की भी इजाजत नहीं है इन बेचारी चिड़ियों को? चिड़ियों का शिकार करने के लिए बाहर गिद्ध फिर रहे हैं घर वाले, इसीलिए बचाते हैं। सुन ले इनकी बातें आप। ये बात भी आप जैसे मर्दों ने फैलाई हुई है। क्या मतलब? क्या मतलब? आप जैसे मर्दों को बहुत सुकून मिलता है जब ये औरतें घर में बंद रहती हैं। हाँ। अरे दरिया साहब, ये कब ऐसा चाहते हैं
ये तो उन औरतों को भी घर से बाहर निकालना चाहते हैं जो घरों से बाहर निकलने पे आमादा ही नहीं है। जी हाँ। जी शहरयार, देख रहा हूँ मैं, घरों में आने जाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है। क्या बात कर रहे हैं यार, मैं तो ख्वातीन की बड़ी इज्जत करता हूँ, कदर करता हूँ। जी, मैं तो गवाह हूँ इसका, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। खैर छोड़ो, उस बिचारी का अदबी और शेरी सफर बस यहीं तक था, फकत एक मुशायरा। क्या कहते हैं, हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए हैं। गोया मुरझा भी गई। हाँ जाहिर है, जब हमारा सर से हाथ हट गया तो मुरझा ही गए ना। बेशक बेशक। वो ऐसा है कि भाई जब तक सूरज की रोशनी गलियों तक पहुंच रही है तो खिलती रहेंगी, तमाजत बढ़ जाए तो कुमला जाती है। कुछ ऐसे ही हुआ होगा, तमाजत ज्यादा हो गई होगी। क्या बात, एक ही मुलाकात में कहां से कहां बजा दिया, ये तो नहीं था। हाँ भाई, जो वक्त गुजरा अच्छा गुजरा, दो चार मुलाकातें रही और लुप्त रही। वाह वाह, मैं भी आ गया। अभी 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 अरे ये कहां चले, कबाड़िए से तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कबाड़ इकट्ठा करने जाएगा। बस बस ये चलने चाहिए। क्या बात है। शहरयार बात कर रहा हूँ। कौन शहरयार? भाई वाह, किस कदर जल्दी भुला दिया, चंद दिनों पहले की तो बात है। अहमद जरियाब साहब के साथ मुलाकात हुई थी, फिर आपको टीवी के मुशायरे में भी देखा था। अंदाज आपका बहुत ही हसीन है। खैर, हम में ही थी ना कोई बात याद जो तुमको आ सके। सच्ची? अच्छा, आप वो शहरयार हैं। खुदा का शुक्र है कि आपको याद आ गया। भाई मिलो हुस्नी, बहुत जरूरी बात करनी है, फौरन मिलो। शायरी का आसमान मुंतजर है आपका। अहमद जरियाब से बेहतर शायरी है मेरे पास। कहाँ मिलना है? जहाँ कहो मैं पहुंच जाऊंगा। कल फ्रेयर हॉल के बाहर गार्डन मिलते हैं। जी ठीक है, मैं सर के बल पहुंचूंगा। बेहतर, खुदा हाफिज। जरा सा झूठ जरूरी है दास्तां के लिए। भी दे, एक चादर ही तो मांगी है, इतना टाइम लग रहा है। कहाँ जाना है मेरी चादर पहन के? सर पे दुपट्टा तो उड़ती नहीं है, चादर पहनेगी अब। हाँ तो जब नहीं लेती हूँ तब मसला, अब ले रही हूँ तब भी एतराज है आप। देखो सुना, तेरे अब्बा तो बहुत हिमायती बने हुए हैं ना तेरे, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। और वो तेरी मैडम जो है वो पागल तो नहीं है ना जो तुझे मना कर रही है? मैं खुद जानती हूँ कि सही नहीं हो रहा। मम्मी जो आप सोच रही है ना वो बिल्कुल गलत है। अरे छाजोबाजी को ही देख लें, कितनी पढ़ी लिखी है, अफसर है, जब उनको प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या है? देखो सुना, ये जो छाजो है ना, है तो तुम्हारे अब्बा की बहन, लेकिन बहुत बड़ी पक्की पेटी है ये। अरे किसी की सगी नहीं है ये, जब मौका मिलता है ना फायदा उठा लेती है, सबके राज है इसके दिलों में। लेकिन अब इसको पता चल गया है ना कि तुम्हारे अब्बा को कोई एतराज नहीं तुम्हारे बाहर जाने पर, इसलिए उनकी हो गई। हालांकि बताया इसी ने था मुझे। मैं जा रही हूँ। लेकिन तेरे अब्बा? अगर मगर कुछ नहीं, उनके आने से पहले आ जाऊंगी वापस। ठीक है जा, खैर से आजाद रहे। खुदा हाफिज़। लेकिन जो तू कुछ कर रही है ना ठीक नहीं कर रही।
खुदा हाफिज। क्या मैं मुमलकत सुखन में नौवारिद शहजादी हुसना हुसैन हुसनी से मुखातिब हूँ? जी। अर्ज किया है, ये जानकर भी वो तहय्युर का बोझ हल्का नहीं करते। मैं चाहता हूँ वो नकाब उल्टे मगर वो ऐसा नहीं करते। बैठने की जसारत कर सकते हैं? जी बैठिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात कहूं, निकाब ने बादलों की तरह चांद को छुपाया हुआ है। बस इसीलिए मिलने आई थी या कुछ और भी कहना है? कॉलेज के मुशायरे में आप नजर नहीं आई, आपकी कमी बहुत महसूस की है। दिल बुझता गया था मेरा, आपने इनवाइट किया था इसलिए सभी आए थे। तो मेरी मिस है ना, मिस ताबिंदा, बहुत चलती हैं मुझसे। अहमद ज़रियाब साहब मुझे टीवी के मुशायरे में ले गए, बस जल गई मुझसे, इसलिए मुझे। ये बात तो ठीक है आपकी, जैसे एक बात कहूँ आपसे, अगर अहमद ज़रियाब चाहते ना तो कुछ भी कर सकते। अहमद ज़रियाब? हाँ अहमद ज़रियाब। लेकिन छोड़िए इन पुरानी कहानियों को, अब मैं और आप हम दोनों मिलकर नई दास्तानें रकम करेंगे। नहीं नहीं, आप मुझे बताएं अहमद ज़रियाब साहब क्या कर सकते थे। देखिए मिस सुषमा, मैं आप एक मिनट, मुझे मिस मत कहिएगा। तो फिर क्या कहूँ? अहमद ज़रियाब साहब कहते हैं कि औरत या तो हिट होती है या फिर मिस। जैसे मिस ताबिंदा मिस होकर रह गई हैं, मैं हिट होना चाहती हूँ, मुझे मेरे नाम से पुकारो। वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त ख्यालात हैं तुम्हारे, जबरदस्त, मजा आ गया। अब आप, मेरा मतलब है, अब तुम मुझे बताओ, ये जो तुम्हारी पुरानी बोसीदा मैडम ताबिंदा हैं और ये जो अहमद ज़रियाब काफूर की खुशबू वाला परफ्यूम लगाने वाले, ये तुम्हें कैसे हिट करवा सकते? कोशिश तो दोनों ने की है। अहमद ज़रियाब साहब के पास मुझे मिस ताबिंदा ने भेजा था और अहमद ज़रियाब साहब भी मुझे टीवी के मुशायरे में ले गए थे। सॉरी, मैं सिगरेट पी सकता हूँ? हाँ पी लें। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो, वो तुम्हें मुशायरे में ले गए थे लेकिन वहाँ तुम्हारी पॉपुलैरिटी देखकर उनका ज़र्फ जवाब दे गया। मैडम ताबिंदा को लगा कि तुम्हारे पर निकल गए और अहमद ज़रियाब, उन्होंने जब तुम्हारी मकबूलियत देखी ना तो तुम्हारे घर वालों की मजबूरी का पर्दा डालकर तुम्हें गायब कर दिया। मजबूरी का पर्दा? अरे हाँ भाई, बल्कि अहमद ज़रियाब तो ये कहता फिर रहा है कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें मार मार कर तुम्हारा बुरा हश्र कर दिया। क्या झूठ बकवास है ये, मेरे अब्बू तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बल्कि उन्होंने तो मिस ताबिंदा के खिलाफ एप्लीकेशन भी डाल दी है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था? नहीं,
इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अहमद जरियाब, इसका मतलब ये है कि अहमद जरियाब और ताबिंदा तुम्हारा सफ़र यहीं ख़त्म करना चाहते हैं। तुम मिस बनकर रह जाती, हुस्ना सिर्फ मिस। लेकिन ये देखो, ये तो टीवी के मुशायरे वाली वीडियो। अरे टीवी के मुशायरे वाली वीडियो मत देखो, ये जो तुम्हारी पोस्ट पे कमेंट्स हैं, रुको मैं पढ़ के बताता हूँ। ये देखो, आप ज़्यादा खूबसूरत हैं या आपकी शायरी? इस उम्र में आप इतनी खूबसूरत शायरी कैसे कर लेती हैं? आपका नंबर मिल सकता है? ये पढ़ो, मैं आपका इस दुनिया में सबसे बड़ा फैन हूँ, क्या आप मुझसे मिलेंगी? हाँ वाकई मेरी ये साथ आपको पसंद। हुस्ना, लोग इस खूबसूरत लड़की को देखना चाहते हैं, सैकड़ों हजारों लोग तुम्हें सुनना चाहते हैं और तुम्हें देखना चाहते हैं। वो अहमद जरियाब साहब ने दोबारा, अरे जरियाब साहब का चैप्टर अब क्लोज हो चुका है, उनका सफर यहीं तक था, अब तुम्हें खुद प्रवास करनी है, खुद उड़ना है। मगर कैसे? मैं किस मर्ज की दवा, मैं किस दिन काम आऊंगा? मैं तुम्हें परवाज दूंगा, ऊंची परवाज, बस जैसा जैसा मैं कहता जाऊं उस पे अमल करते जाओ। लेकिन सबसे पहले ये नकाब और मौके पे तस्वीर तो बनती है। तुम हुस्ना हुसैन हुस्नी, तुम मिस कैसे हो सकते? हुस्ना हुस्ना रुको, हुस्ना क्या हुस्ना, हुस्ना शर्म आनी चाहिए तुम्हें, पूरे बाजार को बता दो कि मेरा नाम हुस्ना है, ताकि लोग ना मेरा नाम लिखकर घर पे रिश्ते भेजे और छाजोबाजी में जो और बदनाम कर दे। ए, नहीं वो मैं तो क्या, वो तो मैं तो घर पे आते तो वहीं पे बात कर लिया करो, ऐसे बीच बाजार में रोकने की क्या जरूरत है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं परवेश, तुम बहुत छछोरे हो, कहीं ना कहीं तुम्हारा छछोरापन बाहर आ ही जाता है। अब बोलो मरो, क्या बोलना था? कुछ नहीं, वो तुम रस्ते में नजर आ गई तो मैंने रोक लिया, ऐसे कोई बात नहीं है खास। अच्छा सुनो, मुझे ना एक काम है, तुमसे कर दोगे? हाँ। इस ड्रेस के साथ चूड़ियाँ लेनी है, दिलवा दो। हाँ शाम को ले आऊँगा ना। शाम को नहीं, अभी चाहिए, पहन के जानी है मुझे, चलो। रुक जाओ, मुझे तो आने दो ना। नहीं ये तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, ये वाली तो ऐसे लग रही जैसे शादी पे पहन के जाने वाली। नहीं वो वाली दिखाना, नहीं साथ वाली, हाँ हाँ। नहीं ये तो दूर से ही अच्छी लग रही थी, वापस रख दो।
ये देखो, ये कैसी? यही तो ढूंढ रही थी मैं, तुम्हें कैसे मिल गई? बस मुझे पता था तुम्हें ऐसी ही पसंद आएगी। पहनो। तुम ही पहना दो, मुझसे टूट जाएंगे। पहना दे सर जी, मुझे इतनी प्यार से दे दी। इतना डर क्यों रहे हो? कोई कत्ल करने को नहीं कह दिया? ये क्या है? ये कुछ नहीं, वो खाला की दवाइयों का नुस्खा है। नुस्खा? हाँ। कैसे बात करते हो तुम? पैसे इससे ले लेना। कितने? 100 रुपया देके आओ इसे। रिक्शा रोको मेरे लिए। क्यों, कहीं जा रही हो? ये तुम ना अम्मी की तरह थानेदार मत बनो। नहीं, वो मैं क्या कुछ किया है ना तुमने? छाजो बाजी से मेरी जासूसी किया है ना? नहीं, अल्लाह की कसम मैं क्यों करूंगा ऐसे जासूसी, उन्हें सब पता है। क्या पता है? कुछ नहीं, बस वो घर के मामला, वो फालू को कुछ। रिक्शा, रिक्शा भाड़ में डालो उनको। उस्ता, चलो चलो उस्ता, मेरी बात को। उस्ता, खाला आपसे एक बात करनी थी। क्या बात करनी है भाई, मैं खुद ही बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? दफा कर, क्या बोल, क्या काम है? खाला वो ना, मैंने एक ना प्लॉट लिया है। हैं? तुझे क्या प्लॉट की जरूरत है? घर बनाऊंगा उस पे, और क्या अपने और... शादी करने की सोच रहे क्या? नहीं, और नहीं नहीं कुछ मेरे पास पैसे पड़े हुए थे एक्स्ट्रा, तो मैंने जरा बुकिंग करवा दी। आपको लेने आया हूँ, आपको दिखाना है, साथ चलें। मैं कैसे चल सकती हूँ? उसने मेरी चादर ले गई और ऊपर से छाजो भी अंदर बैठी। वो छोड़ें चादर को, वैसे भी पुरानी हो गई थी। उठे मेरे साथ चलें, आपको नहीं ले देता हूँ। कसम का? कसम से जैसी कहेंगी वैसी ले लूंगा, चलें। परवेज तो कितना अच्छा है ना, और मेरी बेटी बिल्कुल नाकदरी है। चले, बटवा ले लूँ ना अपना। हाँ। आती चले, आ जाए फिर, मैं वेट कर रहा हूँ भाई। सही सही। फेसबुक अकाउंट तो है मेरा, ये नया अकाउंट होगा हुस्नी के नाम का, फॉलोवर्स का ऑप्शन भी होगा इसमें। खानदान का कोई चाचा मामा खाला फुफो इसमें नहीं होगा, सिर्फ शायरी की दुनिया के लोग। तुम्हारी तस्वीर, तुम्हारी शायरी और तुम्हारी डेली रूटीन, और तुम ये यही रास्ता है आगे बढ़ने का। खुदा मार्क जिंगरबर्ग की नेमतों में इजाफा करे, हम जैसे कई लोगों की जिंदगी बना दी। ये तुम्हारी स्पेस है और यहाँ तुम्हें किसी की मोहताजी नहीं होगी, किसी की भी। यूजर नेम हुस्नी, हुस्नी फॉर यू 2020। कुछ नहीं करना तुम्हें, कुछ भी नहीं करना। एक हैंड फ्री, एक रिंग लाइट, एसेसरीज, और कुछ दिनों की बात है, उसके बाद सोशल मीडिया पे तबाही मच जाएगी। अहमद जरियाब साहब खुद फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, और अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगी ना तो वो डिलीट करेंगे और फिर भेजेंगे। कैसा है बताओ ना? हाँ, क्या खाओगी? हाँ, अच्छा रुको, मेरा फेवरेट। हाँ, दो वही वाले।
चूड़ियाँ अच्छी लग रही तुम्हारे हाथों, दूसरे हाथ में नहीं पहनी ना। ये है लोकेशन खाला। अरे परवेज, ये तो खाली जमीन पड़ी है, ना मकान, ना मोहल्ला, ना बाजार, ये तूने कहाँ पैसे फंसा लिए? खाला, आजकल की लड़कियाँ मोहल्लों में नहीं रहती, उन्हें इस तरह के ये इलाके पसंद आते हैं जहाँ पे ना पड़ोस हो, ना मोहल्ला हो, ना रिश्तेदार वगैरह। कोई भी बंदा उनके मामलात में दखल अंदाजी ना करे, ना पूछ गिछ करे, ये चाहिए उनको। लगता है ऐसे ख्यालात की लड़की ढूंढ ली है तूने। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। हैं? आप क्या सोच रही? अरे अपने मोहल्ले में कोई ढूंढना। मुझे हमारे मोहल्ले की लड़कियां नहीं पसंद है, मुझे तो पढ़ी लिखी सर उठाकर बोलती लड़कियां पसंद है। ले, घर में एक सर उठा के बोलने वाली कम है, जो तू दूसरी भी ले आएगा। खैर, हुस्ना तो शादी करके चली जाएगी ना। अच्छा है, उस जैसी तू ले आएगा ना तो उसकी कमी महसूस नहीं होगी। खाला, तुझे ढेरों खुशियां दे, आबाद रखे, तेरी पसंद की लड़की से तेरी शादी हो। मैं तो ऐसी बोल रही थी। बहुत अच्छा है माशाल्लाह, तो ऐसा करना एक बार, हुस्ना को भी लाके दिखा देना, वो बताएगी तुझे असल बात। मुझे तो उन्हें वैसे भी कुछ पता ही नहीं है, सारी जिंदगी अम्मा के साथ गुजार दी, फिर उस चूल्हे के आगे तो लगता है ना दिमाग में भी ना दाल ही भर गई है। सही बात, चलें? हाँ चल चल, देर हो रही है, पकड़ मुझे, पत्थरों में बिठा दिए। आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। अरे कहाँ गए ऐसे लिखने वाले? आप बताइए, वो कहाँ गई आपकी नई दरियाफ्त? गायब, उड़ा छू। नहीं 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 फाकी साहब, ऐसा तो ना कर, दरियाफ्त तो थी हमारी और निकल आएंगे। वैसे बुरा मत मानिएगा, कल आपकी गजल देखी मैंने, किसी को दिखला लेती तो अच्छा था। तो अब आप हमें बताएंगे, जबकि हम खुद पहले से खासे मशहूर हो चुके हैं। दरियाफ्त साहब, ये तो पहले ही अपना नाम बना चुकी हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? और आप कॉलेज की लड़कियों पर ही दस्तशफकत फेरिए, बेहतर होगा आपके लिए। शायद मुझे निकाल कर कुछ खा रहे हो आप। महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूं मैं। वाह 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 वाह, सर खा रहे थे, अब तुम आई गए हो तो कुछ मंगवा भी लो। उनका पूछ रही थी हुस्ना का गर्मा गर्मी हो गई। भाई तारीख उन्हें इतनी जल्दी फरामोश नहीं करेगी, कोई ना कोई मारका जरूर मारेंगे। हुस्ना, हुसैन, हुस्नी। नया अकाउंट बना है क्या? जी जी बिल्कुल नया, अभी चंद घंटे पहले ही नमूदार हुआ है। अकाउंट नया है, अगर मुझे कोई नील गोमड़ा तो नजर नहीं आ रहा। अरे भाई जरियाब साहब तो मावरतन बोल रहे होंगे, नीलो नील हो गई, शायद है इतनी रियायत तो दीजिए इन्हें। भाई अगर नीलो नील हो भी गई होंगी तो नीलों की पोस्ट थोड़ी लगाएंगे। फीलिंग नीलो नील विद अहमद जरियाब एंड 49 अदर्स। प्यारी बच्ची है, कबूल सूरत, खुदा उसे अकल दे। और आपको भी। क्या
क्या मतलब है इस बात का? कुछ भी। अब तो मैं चाहे भगवान लो बिना बस ट्राय कर दो मेरा दिल जलाने की बात करते हो। आप तो चाय पियेंगे? अरे जरूर, दो चाय लाना भाई। मुझे लग रहा है कि हुस्ना और अहमद जरिया आपकी लड़ाई हो गई है। कैसे? बता रही थी कि उस दिन अहमद जरिया आपने उसे रास्ते में गाड़ी से उतार दिया था। ये सब एक जैसे होते हैं, चलती गाड़ी से उतार देने वाले, किसी और को धक्का देके अपनी जगह बनाने वाले, मारते के आगे और भागते के पीछे। तो फिर मैं अहमद जरिया से बात ना करूं? क्यों, जरूर करूं, बल्कि उनको कहो कि तुम्हें टीवी पे किसी मुशायरे में लेकर जाए। वैसे मैंने उनका ना नंबर याद कर लिया था, उसने जब मुझे मैसेज दिखा रही थी ना उनका, उसी वक्त। बड़ी चालाक बाप पे गई हो। लेकिन अब मुझे शायरी कौन लिख कर देगा? उसकी फिक्र तुम ना करो, पूरी डायरी भर कर रखी हुई है मैंने। तुम्हारे डैड ने मुझ पे तो पाबंदी लगा दी, लेकिन अब ये तुम्हारे काम आएगी, बस किसी को बताना नहीं। ठीक है। यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हें कोई चीज दिखानी थी, साथ चलोगी? मैं नहीं जा सकती, काम है मुझे। ज्यादा देर नहीं लगेगी। अरे मुझे जाना ही नहीं है, तो ज्यादा जल्दी की क्या बात है? खुश हो जाओगी देख के। खुश रहना आता है मुझे, वैसे भी तुम्हें क्या पता मुझे खुश कैसे करना है। मुझे पता है तुम कैसे खुश हो सकती। कैसे? तुम्हें इस मोहल्ले में नहीं रहना ना? हाँ नहीं रहना, और देखना उड़ जाऊंगी एक दिन। वही तो बता रहा हूँ। तुम मेरी जिंदगी के प्लान्स में क्यों घुस रहे हो? ये जो तुम्हें राय देती हूँ ना, इसका ज्यादा असर मत लिया करो, और जाओ जाके अपनी दुकान पे बैठो, हर वक्त इसी घर में घुसे रहते हो। खाला बुलाती हैं तो आता हूँ, जा रहा हूँ। सुनो, ये डब्बियों वाली शर्ट जाके बदलो, अजीब कार्टून लग रहे हैं, ये कपड़े पहनने की सेंस है कि नहीं? रुको, मैं भी चलूंगी साथ। तो चलो, यही तो कह रहा हूँ तुमसे। नेल पॉलिश लेने जाऊंगी, लाल रंग की चाहिए। अच्छा, ज्यादा फुदकने की जरूरत नहीं है। इधर आओ। नेल पॉलिश लेनी ना? नेल पॉलिश तो आगे से मिलेगी। हाँ हाँ, वो भी ले लेंगे। इधर से क्या लेना है? तुम चलो तो। कोई अच्छी सी रिंग लाइट दिखाएं। ये 36 सेंटीमीटर की लाइट है। ये वाली कितने की है? 4000 की। 4000? जी 4000। हाँ तो दे दो ना, दे दूंगी बाद में। तुम एक रिंग लाइट और एक फोन लेके दोगे मुझे? अरे हाँ बोलो। हाँ ठीक है, ठीक है, पैसे दे दूंगी बाद में। ये वाली दिखा, ये बड़ी हो जाएगी, ये वाली ठीक है। ये 3000 की है। दो।
क्या बात है आपकी, रात आप फिनिश कर रहे हो अपना ट्रिक, अपने ट्रिक को? वो अब भी देर से घर आता है, इस साइड से भी डार्क है, तो ये भी बहुत हल्के हैं। जी माँ। बेटा तुमसे पूछ रही हूँ। जी माँ। अब भी देर से घर आता है? सोशल लाइफ है, जानती तो हैं आप। जानती तो मैं थी ही, लेकिन अदीला विटामिन्स ले रही है अपनी? ले रही हूँ। बेटा गौर करो, ये जिंदगी भी कोई जिंदगी? क्या कमी है मेरी जिंदगी में? इतने इंसानों का इलाज उसने मेरे हाथों में लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह माँ। शोर करो भैया, शायर की बीवी होना आसान नहीं है, ये बात आपने मुझे कही थी। तुमने सुना था क्या? सुना था, इसीलिए मैं आम बीवी नहीं बनी। ठीक है बेटा, मार्जिन देना चाहिए, लेकिन बच्चों को भी तो बाप चाहिए। बाद में बात कर, यहाँ नहीं। जल्दी से नानी को दिखाओ अपना ट्री। बना लिया, तैयार हो गया?